देख रहे हो हमारा YouTube चैनल प्रिंटी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से संबंधित हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं हर रोज कुछ मजेदार वीडियो। तो दोस्तों अगर आप नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज लेके आता हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो बहुत ही मजेदार होते हैं और आपके बिल्कुल यूज करने के लायक होते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा वो है कि हम एंड्रॉइड मोबाइल पर टीवी कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको टीवी देखना है, टीवी देखने का मन हो रहा है और आपके पास में टीवी का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं अपना फेवरेट सीरियल बिना मिस किए हुए, है ना दोस्तों मजे की बात। तो दोस्तों आज बस यही टॉपिक है हमारा कि हम टीवी देखना चाहते हैं बट हमारे पास में सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल है। तो दोस्तों ये बात आती है कि हम फ्री में यूज कर सकते हैं या फिर हमारा डेटा लगेगा। तो दोस्तों मेरे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है वो मतलब इंटरनेट से कैसे टीवी यूज कर सकते हैं। देखो नेट तो यूज होगा यार, क्योंकि ये जो है हमारा मोबाइल ये सिर्फ नेटवर्क पे डिपेंड है, क्योंकि इसे कोई किसी प्रकार का बाहरी सिग्नल तो चाहिए ना, तभी तो ये नेट जो है वो टीवी के जो सीरियल्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट हो पाएगा। तो इसके लिए इसे बाहरी कॉन्टेक्ट चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारे अभी तक दूसरे वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे दूसरे वीडियो हैं ये देख लीजिए, इनके अंदर आपको मिलते हैं दोस्तों बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एक से एक बढ़ के आपको जो है सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, दोस्तों बिना स्किप किए ये वीडियो देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इससे अच्छा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक टू एक स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में यूज कर सकते हो टीवी अपने मोबाइल के लिए और कैसे आप इंटरनेट से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको एक एप्लीकेशन है वो सर्च करना है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको सिक्योरिटी के रीजन से वहाँ पे हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको मैं लिंक बता रहा हूँ, या तो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप अपना ब्राउजर है जो भी आप यूज करते हो वहाँ पे टाइप कीजिए लाइव नेट टीवी, ये टाइप कीजिए, इसके बाद में यहाँ पे सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से होगा। ये होगा लाइव नेट टीवी एपीके डाउनलोड, इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक पे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अगला ऑप्शन आएगा उस पर जो डाउनलोड का लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन है ये फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि ये दोस्तों प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता प्ले स्टोर पे, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने सर्च ब्राउजर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आ जाएगा, ये देखिए दोस्तों जैसे ही ये एप्लीकेशन है इसका आइकन अच्छे से देख लीजिए, लाइव नेट टीवी इस पर लिखा हुआ है। जैसे ही आप डाउनलोड एपीके इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड होने के बाद में आपकी जो मेन स्क्रीन पे दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरे जो होम स्क्रीन पे है ये इस प्रकार से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप दोस्तों सभी प्रकार की टीवी देख सकते हो, मतलब पाकिस्तानी चैनल और इंडियन चैनल, तो नीचे मैं आपको ये देखिए इंडियन चैनल है, एंड पिक्चर, एंड टीवी, बी फोर म्यूजिक, ये सभी प्रकार के इसके अंदर इंटरनेशनल जो ये देखिए इंटरनेशनल चैनल भी, ये मतलब बिल्कुल फ्री है यार, बहुत कम नेट यूज होगा आपका, मतलब अगर आप एक घंटा देखोगे तो लगभग 100-150 MB लगेंगे। तो यार मैं कह सकता हूँ अगर आपके पास में नहीं है कोई भी सुविधा टीवी की तो आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं दूसरा स्टेप कि आप टीवी कैसे यूज कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आप देखिए इन सेटअप में हम चलते हैं दूसरे, मतलब किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में बिना इंटरनेट के टीवी। तो यार टीवी देखना है तो उसके लिए आपको कुछ खर्च करने पड़ेंगे थोड़े से पैसे। और दोस्तों अगर आपका मोबाइल OTG सपोर्टेड है तो मतलब OTG सपोर्टेड होना चाहिए, तो क्या मतलब अगर OTG सपोर्टेड डिवाइस होगा तो ही आप फ्री में टीवी के मजे ले पाओगे। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ पैसे करने पड़ेंगे, ये जो खर्च करने पड़ेंगे ये जो होंगे 1000+, मतलब 1000 से 1500 रुपये के करीब आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको अमेजोन से खरीदना पड़ेगा आईफोन, या इसके अलावा कोई भी कंपनी है आपको, आप वहाँ पे सर्च कीजिए अपने ब्राउजर के अंदर जाके आपने सर्च करना है, जो लिखना है वो है टीवी ट्यूनर।
फॉर एंड्रॉइड मोबाइल, ऐसा आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल ओटीजी स्पोर्टेड आपने लेना है। अगर आपके पास भी कोई मार्केट है अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक सा इलेक्ट्रॉनिक का, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो दोस्तों वहाँ से लेने के बाद में इसके साथ में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो आप किसी कंप्यूटर के अंदर डाल के अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप फ्री में इंस्टॉल कर पाएंगे, मतलब फ्री में ब्राउजिंग जो भी चैनल है वो उनका कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार से होगा। ये जो आईबॉल का आपको दिखाई दे रहा है ये 2200 रुपये का मिल रहा है, पर 2200 रुपये MRP है, पर ये फिलहाल में मिल रहा है 1575 रुपये का। तो आप इस प्रकार से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और ऑफलाइन भी आप अपने मार्केट से खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो टीवी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको रियली हमारा ये ट्रिक पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलता हूँ।